Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक बारी अगर हम अंक तालिका को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम पूछना चाहेंगे इस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में, right? पाकिस्तान खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस मैच के बारे में कि भाई इंडिया के लिए रिजल्ट बेनिफिशियल कौन सा है ज्यादा? अरे बाकी टीमों का छोड़ो, हमारा बताओ, क्योंकि इंडिया का अगला मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी संडे को, संडे के संडे, रोज खाओ अंडे। क्या भाई एक एक हफ्ते की छुट्टी दे देते हो, हम क्या करेंगे? तो ये आज मैच जो है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया खेल चुकी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है आज, ये दोनों टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है। तो आशु, इंडियन फैंस किसके लिए ज्यादा ताली बजाएं पॉइंट्स के हिसाब से, कि देखिए पहुंचना तो सेमीफाइनल में है। देखिए अभी गौरव टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आप एक मुकाबला हार गए हैं, तो इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी बेनिफिट वाली चीज रहेगी कि इंडिया अपने मुकाबलों पे फोकस करे, कि अपने मुकाबले तो आपको जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए अगर आज यहाँ पर आप पाकिस्तान जीत जाती है, सोचिए तो आपने अगला जो मुकाबला न्यूजीलैंड से है वो आपने जीतना है, और अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो भी आपने उनको हराना है, कि तीनों जो ऊपर की टीम है, कि एक दूसरे से पाकिस्तान ने भारत को हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, तो अभी वो वाली सिचुएशन है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जीतेगा तो कोई भारत को बहुत फायदा होगा या भारत को बहुत नुकसान होगा। हाँ अभी ये दो मुकाबले हो चुके होते, तीन मुकाबले हो चुके होते तो बात अलग थी। सिर्फ एक 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 चीज से आप कह सकते हैं कि भारत चाहेगा कि न्यूजीलैंड जीते, सिर्फ एक ही चीज से, वो जिस तरीके का नेट रन रेट है पाकिस्तान का, कि आपकी उनके बराबर आने के लिए, बाकी तो अंत में बात पॉइंट्स पे ही आएगी, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप नेट रन रेट देखेंगे ना, वो बहुत आगे निकल गया है। हालांकि मैं तो कहूंगा अफगानिस्तान एक ही मुकाबला खेल लिया है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया है, मुझे नहीं लगता इतना आसान रहेगा भारत के लिए भी इतने बड़े मार्जिन से स्कॉटलैंड को हराना। मतलब देखिए आप 6.5, वहां पे हम इंग्लैंड का देख के कह रहे थे, वहां पे हम इंग्लैंड का देख रहे थे, कह रहे कि ऑलमोस्ट 4 के आसपास है, इनका तो 6.5, मतलब इट्स क्रेजी, मैंने देखा ही नहीं आजकल नेट रन रेट। जैक आपके हिसाब से ज्यादा फायदा भी, हम न्यूट्रल फैन है ना आज, तो ज्यादा फायदा इंडिया का कैसे होगा, कौन जीते आज? नहीं देखिए, आशीष ने बिल्कुल सही बात बताई कि टीम को तो फोकस इसी चीज पे करना चाहिए कि आप मैच जीतो, क्रिकेट खेलो। अरे वो टीम है, हम फैंस हैं। लेकिन हमें, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें तो इस चीज पे ध्यान देना है कि क्या फायदा होगा भारतीय टीम का, कि जिससे वो ऊपर बने रहे और बाकी चीजें थोड़ी सी अलग चलती रही। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आप ये नहीं चाहो इस टेबल में, क्योंकि ये टेबल, ये जो ग्रुप है ना, ये अलग ग्रुप है, दूसरी तरफ सारी अच्छी टीम है, तो कोई भी किसी से भी हार सकता है। इस तरफ क्या है कि दो टीमें ऐसी लग रही है कि हर टीम लगभग, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हरा देगी उन्हें, मतलब ऐसे सोचना नहीं चाहिए किसी टीम के बारे में, लेकिन आप सिर्फ स्किल लेवल की बात करो या जिस स्तर पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो अगर आप उस तरीके से देख रहे हो इस ग्रुप में, तो फिर ये जो दो तीन टीमें हैं ना, इनके लिए एक दूसरे को हराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब तक ये दोनों स्पॉट ऊपर के खुले रहेंगे ना, नंबर 1 और नंबर 2, तब तक चीजें इंटरेस्टिंग रहेगी। आप ये नहीं चाहते हो कि एक टीम आगे निकल जाए उसमें। तो पाकिस्तान पहला मैच जीती है भारत के खिलाफ, तो अगर न्यूजीलैंड के साथ भी अगर जीत जाते हैं, तो फिर तो ऐसे हो जाएगा कि अरे पाकिस्तान लगभग, मतलब तय है, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो अफगानिस्तान से हार भी जाते हैं तो नेट रन रेट अच्छा हो और दूसरी दो टीमों को हरा दो, स्कॉटलैंड और नामीबिया को, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो भारत के लिए न्यूजीलैंड का ये मैच जीतना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। भारत को तो सारे मैच जीतने हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बाकी रिजल्ट भी है इस, ये नहीं कि आप बिल्कुल आखिरी में जाके सोचो। अच्छी बात यह है कि जब तक भारत मैच खेलेगा ना, तब तक दूसरी टीमें काफी मैचेस खेल चुके होंगे। बिल्कुल, तो समझ आ जाएगा, जब तक भारत का मैच आएगा तब तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें जा किस तरफ रही है। अगर एक्सेलरेटर पे पैर रखना है ना, तो जल्दी भी रख सकते हैं कि नेट रन रेट या जो भी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से मुकाबला जीता और जिस तरीके से इनका नेट रन रेट ऊपर गया, उससे चीजें और ज्यादा अब इंटरेस्टिंग हो गई है इस ग्रुप में। ये ग्रुप थोड़ा हल्का जरूर लग रहा है, लेकिन हल्के होते हुए भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस ग्रुप में हो सकती है, क्योंकि दो टीमें बिल्कुल ही ज्यादा कमजोर नजर आ रही है।